सुलह हलके के हर घर को नल से शुद्ध पानी पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन में 75 करोड़ रुपए का व्यय किया जा रहा है। इन योजनाओं में ट्यूबवेल लगाना, ओवरहेड टैंक बनवाने और पुरानी पाइपों को बदलने का प्रावधान किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने ग्राम पंचायत दहण में शनि मंदिर के पास लोगों को संबोधित करते हुए ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दहण बदिहार में क्षेत्र में लोगों की मांग के अनुरूप पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए जल जीवन मिशन में 2,22,00,000 रुपए व्यय किए जा रहे हैं। इस योजना में 3 ट्यूबवेल, 3 ओवरहेड टैंक का निर्माण के साथ साथ 22 किलोमीटर नई पाइपलाइन डाली जा रही है। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत समेहड़, मालनू और पुन्नर में पानी की समस्या को जड़ से समाप्त करने के लिए ब्रिक्स के तहत लगभग 31 करोड़ रुपए की योजना स्वीकृत की गई है। इनमें भी लोगों को ट्यूबवेल के माध्यम से पानी उपलब्ध करवाया जाएगा। विपिन परमार ने कहा कि भवारना के ढंडोल सड़क के सुधार पर 2.5 करोड़, ठाकुर द्वारा बाया रामनगर कॉलोनी सड़क निर्माण पर 6,35,00,000, सरवा कनाल पट्टा समेहड़ भवारना भट्टी समलेना सड़क पर 5,80,00,000 और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला दहन के भवन के लिए 1,05,00,000 रुपए व्यय किए जा रहे हैं। कहीं अब 10-15 किलोमीटर दूर नहीं, नजदीक कहीं ट्यूबवेल लगाए जाए, नजदीक कहीं ओवरहेड टैंक बनाए जाए, लोगों की जरूरतें बढ़ी हैं तो पानी के बर्तन भी बड़े होने चाहिए, टैंक बड़े होने चाहिए, तो उसके लिए भारत सरकार ने जल जीवन मिशन शुरू किया है। सुलह विधानसभा क्षेत्र में 75 करोड़ रुपए की योजनाएं अलग अलग स्थानों पर शुरू हुई हैं, काम धीमा पड़ गया। और ग्राम पंचायत त्रमेड़, मालनू, पुन्नर के गांवों के लिए एक तो मैं ये बताना चाहता हूं कि सबसे पहले जल जीवन मिशन के तहत दहन वन गिहार के लिए 2,22,00,000 रुपए की लागत से पीने के पानी की योजना स्वीकार हुई है। इस योजना के तहत 3 ट्यूबवेल लगाए जाएंगे व 3 ओवरहेड टैंक भी बनाए जाएंगे, जिसका निर्माण किया जाएगा और लगभग 22 किलोमीटर लाइन। कुछ लोग कहते हैं जी शांता जी ने कभी पाइपों को बिछाने का काम। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष ने औषधीय पौधे भी रोपित किए और प्रदेश के हर नागरिक से पौधे रोपित करने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि पेड़ पौधों से हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है और वातावरण भी शुद्ध रहता है। उन्होंने जन सहयोग से पौधारोपण को सफलतापूर्वक करने की अपील भी की।